दोस्तों बिग बॉस के घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि घर के अंदर किसी की जोड़ी ना बनी हो और हर सीजन में लव का एंगल देखने को मिलता ही है। तो भैया इस बार ये एंगल कैसे नहीं देखने को मिलता। देखिए बिग बॉस OTT के सेकंड सीजन में अब नया ट्विस्ट आने वाला है। जहां अभी तक सिर्फ लड़ाई झगड़ा और बहस देखने को मिलता था, वहीं अब आप लोगों को लव एंगल भी देखने को मिलेगा। देखिए घर की सदस्य फलक और अविनाश एक दूसरे के करीब आते दिखाई दे रहे हैं और बिग बॉस लाइव में दिखा कि अविनाश फलक के बनाए हुए खाने की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जिस पर जिया शंकर और जैद हदीद मजे भी ले रहे हैं। और जैद ने जब फलक को खाने के लिए पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि जब सब खाना खा लेंगे तब वो खाएंगी। देखिए घर के फलक के खाने की तारीफ करते हुए अविनाश कहते हैं कि वो बिल्कुल उनकी माँ की तरह खाना बना रही हैं। और थोड़ी देर बाद अविनाश फलक को अपने हाथ से खाना खिला रहे होते हैं। जब जैद और जिया अविनाश से पूछते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, तब अविनाश बसते हुए जवाब देते हैं कि मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं है, मेरा ध्यान इन सब चीजों में नहीं गया था और ऐसी कोई बात ही नहीं है। लास्ट में जैद अविनाश को चिढ़ाते हुए कहता है कि जिस तरह से फलक आपको देखती है उस तरह से आप उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि आप पहले से उनके ख्यालों में खोए हुए हैं। देखिए दोस्तों ये लव का एंगल तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है, पर ये लव एंगल क्या सिर्फ इस बिग बॉस के सीजन के लिए है या फिर ये सच में ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे हैं? दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बिग बॉस OTT सेकंड सीजन का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।